क्योंकि देखिए शुरू इतना तो थ्रॉटल आप ले लोगे, लेकिन अब ज्यादा लेना हो तो आप देखो दिक्कत आपको देख रहे हो, ग्रिप छूट जाएगा अगर ज्यादा थ्रॉटल लोगे आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने बाइक के हैंडल बार को किस तरह से ग्रिप करना चाहिए, साथ ही जो ब्रेक लीवर है और जो क्लच लीवर है उसे किस तरह से ग्रिप करना चाहिए, ब्रेक लीवर को पकड़ने के लिए यूज करने के लिए हमें कितनी उंगलियों का यूज करना चाहिए, साथ ही जो क्लच लीवर है उसे अच्छी तरह से यूज करने के लिए और क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए कितनी उंगलियों का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, खास करके अगर आप एक नए राइडर हो, आप नया नया बाइक को चलाना सीख रहे हो, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगा, क्योंकि एक बार जब नए राइडिंग के वक्त जो भी हैबिट बन जाता है वो बहुत जल्दी छूटता नहीं है। तो अगर आपका हैबिट सही होगा तो आप अच्छी तरह से सेफली राइड भी कर पाओगे। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और फ्रेंड देखिए, दोनों जो तरफ है, हमारा जो एक्सेलरेटर का साइड है और जो क्लच का साइड है, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। यहां पे हम लोगों को तीन काम बेसिकली करना होता है। सबसे पहली बात तो हमें हैंडल को जो वो ग्रिप भी करना होता है स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा हमें थ्रॉटल भी लेना होता है यानी कि एक्सेलेटर लेना होता है, और थर्ड हमें जो आगे का ब्रेक है, जो फ्रंट ब्रेक है उसे भी लगाना होता है। लेकिन यहां पे जो हमारा इस साइड में सिर्फ बेसिकली दो काम होता है, पहला हैंडल को ग्रिप करना ताकि बैलेंस बन सके, और दूसरा क्लच को यूज करना, क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करना। सबसे पहले इस साइड आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहां पे दो तरीका होता है वो बेस्ट होता है जिससे कि आपको इस साइड को यूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो पांच उंगलियां, ये हमारा थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये जो हमारी ये रिंग फिंगर है, और ये जो है ये लिटिल फिंगर है। तो बेसिकली दो तरीका है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो तरीका मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो ये जो दो उंगलियां है, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, अगर आप इस तरह से ग्रिप करते हो, ठीक है, इस तरह से दो उंगली को यूज करके आप ग्रिप करते हो तो ये बेहतर होता है। यहां पे हैंडलिंग भी बेहतर होगा, यहां पे आप एक्सेलेटर भी आसानी से अच्छी तरह से ले सकते हो, क्योंकि पाम मिल जाएगा आपको, ये मिडिल जो हमारा थंब है वो मिल जाएगा, और बाकी के दो फिंगर है वो भी यहां पे अवेलेबल है, ये देखिए आप एक्सेलेटर लेने के लिए। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट होता है, बाकी आप इन दो उंगली से बेहतर तरीके से जो फ्रंट ब्रेक है उसे यूज कर सकते हो, उसे लगा सकते हो। दूसरा तरीका जो कि मेरा राइडिंग तरीका जो कि मैं यूज करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं जस्ट ये जो मिडिल फिंगर है मैं इसे ही यूज करता हूं ब्रेक लगाने के लिए। कोई भी हो, इमरजेंसी ब्रेक हो, नॉर्मल ब्रेक हो, मैं जस्ट इस एक उंगली से ही लगाता हूं, और बाकी ये जो सारा जो हमारा पाम है और जो बाकी की उंगलियां है उसे मैं थ्रॉटल लेने के लिए यूज करता हूं, इस तरह से कुछ, ठीक है, एक उंगली मैं यूज कर रहा हूं बाकी थ्रॉटल ले रहा हूं। ये तरीका मेरे हिसाब से तो बेस्ट है क्योंकि मैं शुरू से इसे यूज कर रहा हूं। तो ये आप दोनों में से कोई सा भी टेक्निक यूज कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, तीन उंगली का यूज करते हैं, ये जो तीन उंगली देख रहे हो आप, ये तीन उंगली से यूज करने से क्या होता है कि ये जो हमारा उंगली है जो लिटिल फिंगर है वो वेस्ट हो जाता है, उसका ग्रिप नहीं बनता है, साथ ही थ्रॉटल लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन तीन उंगलियों का यूज करोगे। अगर चार उंगली यूज करते हो इस तरह से तब तो और दिक्कत है, क्योंकि देखिए शुरू इतना तो थ्रॉटल आप ले लोगे, लेकिन अब ज्यादा लेना हो तो आप देखो दिक्कत आपको देख रहे हो, ग्रिप छूट जाएगा अगर ज्यादा थ्रॉटल लोगे आप। तो बेसिकली या ये दो फिंगर या फिर एक फिंगर से आप इस साइड को यूज कर सकते हो, ये बेहतर होता है। चलिए अब हम लोग इस साइड आते हैं, ठीक है, मैं बाइक को स्टैंड पे लगा देता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स चाहते हो तो इसमें आपकी हेल्प करेगा budmo.com। budmo.com ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट है, और यहां से आप इंडियन कंपनीज के साथ साथ जितनी भी विदेशी कंपनी के कार्स है उनके 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। इंटरफेस बहुत ही आसान है, जस्ट आपको अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडल, ईयर और वेरिएंट को डालना है, उसके बाद आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को सर्च कर सकते हो। यहां पे आपको अपनी कार के मॉडल के हिसाब से OEM कैटलॉग भी मिल जाएगा, और उस कैटलॉग में कार के जितने भी सेक्शन होते हैं, इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और भी अलग जो सेक्शन होता है, सबके लिए अलग अलग कैटलॉग मिल जाएगा, और उस कैटलॉग में आप उस सेक्शन के जितने भी पार्ट्स है उन्हें देख सकते हो। पार्ट्स का नाम, डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी लगने वाला, वो सब कुछ आप वहां पे आसानी से देख सकते हो। इसके साथ ही आप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ कंपैटिबिलिटी को भी यहां पर चेक कर सकते हो, और अगर कंपैटिबल आपको पार्ट लगे तो उसके बाद आप आसानी से उस पार्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। यहां पे 10 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी है। तो budmo.com का जो वेबसाइट है और जो ऐप है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने कार के लिए पार्ट्स को budmo.com से जरूर
जरूर से ऑर्डर करें। अब ये भी जरूरी समझना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप चार के चार उंगली को, पूरे के पूरे उंगली को जो चार है शुरू का, इसे आप क्लच लीवर पे रखें और यहाँ पे प्रेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्लच को ज्यादा यूज करना पड़ता है, ब्रेक को कम यूज करना पड़ता है। तो क्लच में अगर आप चारों उंगली को रखेंगे तो आप आसानी से, देखो आप इस तरह से स्मूथली इंगेज डिसंगेज कर पाओगे। ये तरीका बेस्ट होता है। बहुत से लोग क्या करेंगे, अगर आप देखो जो लिटिल फिंगर, अगर आप उसे हटा दोगे, तीन उंगली को यूज करोगे, तो आप यहाँ पे गौर करोगे कि देखिए पूरी तरह से जो क्लच लीवर है वो प्रेस नहीं होगा और जो इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट है वो सही से नहीं होगा। तो इस तरफ तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट चार उंगली को इस तरह से रखें और यहाँ पे आप ऐसे यूज करें, ये ज्यादा बेहतर होता है, ये तरीका बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स कहने को तो बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन देखिए नए राइडर है उन्हें ये दिक्कत होता है, पुराने राइडर को तो एक्सपीरियंस होता है, वो मैनेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स हैंडल बार के ग्रिप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी स्विचेस यहाँ पे दिए गए, चाहे किल स्विच हो, इंजन स्टार्ट का स्विच हो, या फिर जो हेडलाइट का स्विच हो, इंडिकेटर्स हो, हॉर्न हो, ये सब आपका जो थंब है उसके साथ एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी आप आसानी से रीच कर पाए इन जगहों में, ये ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा साइडवेज रखोगे, ठीक है, बाहर की तरफ रखोगे, तो इन चीज़ों में पहुँचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, खास करके जो लेफ्ट साइड जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हॉर्न वगैरह है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर ग्रिप रखोगे तो दिक्कत आएगा। इसलिए ग्रिप हमेशा आप वहाँ पर रखें ताकि जो थंब से आप आसानी से इन्हें एक्सेस कर सके और इन्हें यूज कर सके। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको ये जो टॉपिक है इसे समझने में हेल्प हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।